दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। इसमें कोई शक नहीं कि संसार में ऐसे कई स्थान हैं जहां जाने पर आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई आपको आवाज दे रहा हो या अचानक कोई परछाई आपके सामने आकर गायब हो जाए। आज हम आपको पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे स्थानों से रूबरू करवाएंगे जो भूतहा होने के कारण काफी प्रसिद्ध हैं। इस स्थान पर ट्रेन के ड्राइवरों को अक्सर धुंधली परछाइयां नजर आती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कोई ट्रेन के सामने छलांग लगा रहा हो। यही नहीं, कोलकाता में 70% आत्महत्या इसी जगह होती है। कोलकाता में स्थित इस लाइब्रेरी को भूतहा माना जाता है। एक कहानी के अनुसार पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर की पत्नी को लाइब्रेरी की देखभाल करना बेहद पसंद था। कहा जाता है कि आज भी उसकी आत्मा इस लाइब्रेरी की देखभाल करती है। स्थानीय लोगों को अक्सर यहां पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। हावड़ा ब्रिज के पास एक घाट है जहां पर पहलवान लोग कुश्ती का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि अक्सर उन्हें गंगा नदी में किसी का डूबा हुआ शरीर दिखाई देता है जो मदद के लिए हाथ दिखाता है। निमतला घाट कोलकाता का सबसे प्राचीन घाट है। रात के समय यहां पर अघोरी साधु काली माता की पूजा और तांत्रिक विद्या का उपयोग करते हैं। रात के समय यहाँ पर भूतहा शक्तियों को जागृत किया जाता है। गंगा नदी के पास इस इमारत की छत पर कई सारी गुड़ियों की कृतियां पाई गई हैं। वही निचली मंजिल में आत्माओं का वास है। माना जाता है कि इस इमारत में जमींदार लोग महिलाओं और लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती किया करते थे और आज इनकी आत्माएं यहां पर भटकती हैं। कहा जाता है कि रात के वक्त यहां से गुजरने पर कब्र पर झुके हुए पेड़ कांपते हुए नजर आते हैं। इस स्थान पर ब्रिटिश सैनिकों की कब्रें हैं, जिनमें से एक कब्र सर W.H. मैक की भी है, जिनके शव को अफगानिस्तान से लाया गया था। बाद में उनकी पत्नी को भी यहां पर दफना दिया गया। क्या होगा अगर आपको किसी घोड़े का भूत दौड़ता हुआ नजर आए? ये आंखों का धोखा नहीं बल्कि सच है। जॉर्ज विलियम्स घोड़ों की रेस के बड़े शौकीन थे, जिनकी सफेद घोड़ी उनकी शान और गर्व था। वह उस घोड़ी की बदौलत हमेशा जीता करते थे, लेकिन वार्षिक कोलकाता की दौड़ में उनकी घोड़ी हार गई और अगले दिन वह ट्रैक पर मृत पाई गई। तब से लेकर आज तक उसे अक्सर ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में कई बार भूतहा एलिया लाइट्स का जिक्र होता है। मछुआरों के अनुसार यह रोशनी उन मछुआरों की आत्माएं हैं जिनकी मौत यहां पर मछलियां पकड़ते समय हुई थी। उनका यह भी मानना है कि अगर कोई शख्स उन लाइट्स का पीछा करता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।